हाँ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अधिकतर आया था हिस्ट्री सेक्शन से, हिस्ट्री से मैप सेक्शन का क्वेश्चन था और सारा क्वेश्चन इजी था। मैम ये इतना कटा है कि पेपर पर ध्यान नहीं जा रहा है लोग। मैम ये इतना कटा है कि पेपर पर ध्यान नहीं जा रहा है। सत्याग्रह के बारे में बता सकते हैं? या सत्याग्रह मींस नीड टू सर्च द ट्रूथ। आज सोशल साइंस कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। क्वेश्चन बताइएगा। हाँ जैसे क्वेश्चन आया था कि हम लोग को सोशल मतलब हाँ बोलिए। कैसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाई हो रहा था? ऑनलाइन पढ़ाई होता था लेकिन लड़का लोग कहीं और वीडियो चैट ऑन कर देता था और नीचे लड़की का चैट चलता था। समझ में आया? सर छापे ना कहना नहीं है, छापा छापा छपैया हो रहा है, इतना छपैया हो रहा है। हाँ भैया बहुत बने लिखे भैया। राज्यसभा के कितने मेंबर है? राज्यसभा देखिए भैया मैडम बहुत कटा थी, बस ये बात है। टॉप डाउन था, तैयारी नहीं हुआ, 9-10 एकदम खराब। 9-10 हम लोग का पूरा वही रहा भाई। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा है। डेमोक्रेसी के बारे में बता सकते हैं? डेमोक्रेसी को किस तरह से हम लोग सेफ रह सकते हैं? डेमोक्रेसी को देश में किस तरह से बचाया जा सकता है? नेता को बदल लिया जाए डेमोक्रेसी बच जाएगा। नॉन एफिलेटेड स्कूलों को बैन कराया जाए, हमारे स्कूल ऐसा। फ्रीडम के बारे में बता सकते हैं? फ्रीडम के बाद आजादी क्या है? हम लोग आजादी ही तो है, घूम रहे हैं, मजा है, मौज है। घर पे जाके उसके बाद आर्मी तो मिल ही जाएगा, पैसे घर पे दिया जाएगा, घुस में घुस दीजिएगा। बड़ा मतलब सीबीएसई स्कूल से, सीबीएसई बोर्ड स्कूल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि घुस देंगे? डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल बहुत अच्छा है लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद कर दिया। पढ़ाई हो रहा था? हाँ हर स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई प्रोवाइड की जा रही थी, असाइनमेंट्स दिए जा रहे थे, बनाने वाले बना रहे थे, जो लापरवाह थे नहीं पढ़े, तो उसी का आज परिणाम मिल रहा है कि आधे बच्चे आ रहे रोते रोते। कोई टीचर्स को दोष दे रहे, कोई स्कूल को दोष दे रहे, सीबीएसई को दोष दे रहे कि ऐसा पेपर फूक के पेपर सेट किया। सीबीएसई वही पेपर सेट किया, पढ़ने वाले बच्चे लिख के आ रहे 40 में 40 और जो नहीं पढ़ रहे वही अपना हाथ पकड़ के बैठे हुए। ऐसे ऐसे लड़के मौसी को छपा रहे थे अपने। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसोमीत लाइव न्यूज, और आप सभी को परसोमीत लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं डीके कारमेल आरा में जो स्कूल है, और यहां पर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और आज सोशल स्टडी का, और आज हम लोग स्टूडेंट लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन लोगों का एग्जाम हुआ है और किस तरह से पेपर गया है और किस किस कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। एक्सक्यूज मी भाई, क्या नाम है आपका? क्या हमराज नाम है। किस स्कूल से? आरएनएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। किस चीज़ का पेपर था आज? आज सोशल साइंस का था। क्या? सोशल साइंस का था। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन मतलब शॉर्ट सिविल सिविल डिसऑबीडियंस आया हुआ था। क्वेश्चन सही ठीक ठाक था। कैसा लिखा है क्वेश्चन? हाँ एकदम। कितना लिखे? सारा लिख दिया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज पे हो सकता था। क्या नाम है भाई? भाई राज। सोशल साइंस का था। किस स्कूल से आए हुए हैं? मदर टेरेसा है। यस। कोई क्वेश्चन बताइए। किस चीज का? कोई क्वेश्चन बताइए जो आया हुआ था एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग और महात्मा गांधी के बारे में। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कौन करवाया था? Yes. क्या नाम है? भूमि कुमारी। किसी का पेपर था? सोशल साइंस का। कैसा लिखा है? अच्छा गया पेपर। क्वेश्चन जो है हाँ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अधिकतर आया था हिस्ट्री सेक्शन से, हिस्ट्री से मैप सेक्शन का क्वेश्चन था और सारा क्वेश्चन इजी था, मतलब वर्ड लिमिट में लिखना था, जितना टाइम भी सही था। हाँ सारा क्वेश्चन अटेम। और भी स्टूडेंट लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन लोग का एग्जाम गया है। क्या नाम है? अक्षय कुमार ओझा। किस तरह किस चीज का पेपर था? पेपर एसएसटी का था आज। एसएसटी एसएसटी था। बहुत आसान था क्वेश्चन भैया। मैम ये इतना कटा है कि पेपर पर ध्यान नहीं जा रहा है लोग। मैम ये इतना कटा है कि पेपर पर ध्यान नहीं जा रहा है, बताइए भैया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप देखिए। हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन आया था सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर। ऐसे ऐसे लड़के मौसी को छपा रहे थे अपने। यह है भैया मौसी के छपा बाबत रही। अविनाश कुमार यादव। कैसा पेपर गया? खिलाफत आंदोलन के बारे में बताइए। क्या? खिलाफत आंदोलन के बारे में। या खिलाफत हाँ इस्लामिक वार्ड में हुआ था जिसको
गया था इस स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक के, जिसको खिलाफत मूवमेंट को उसको बेइज्जती हुआ था, तो दोनों मुस्लिम लीग और हिंदू लीग मिल गया था। अरे अभी रहने दीजिए, सत्याग्रह के बारे में बताइए। सत्रह सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्याग्रह एक मूवमेंट है जिसमें सत्य की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह के बारे में बता सकते हैं? या सत्याग्रह इज मींस नीड टू सर्च द ट्रूथ एंड फॉर फाइट फॉर, इफ यू आर इनजस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस देन यू हैव टू कंसाइज द माइंड ऑफ ऑपरेटर्स। कैसा कोई पेपर गया है? बहुत बढ़िया है पूरा। गांधी मार्च के बारे में बताइएगा? तो गांधी मार्च वहाँ पर है, जहाँ पर नमक आंदोलन किए थे, 240 मील गांधी जी चले थे वहाँ से अपने 270 वॉलंटियर्स के साथ। जैसे क्वेश्चन आया था कि हम लोग को सोर्सेस मतलब कि हम लोग को एसएससी ग्रुप के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें हम लोग ने लिखा था आंसर्स। सबसे ज्यादा किस चीज से आया था? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स? सिविक्स से। सिविक्स से, यस सर। ना सर छापे है ना कहना नहीं है, छापा छापा छपैया हो रहा है, इतना छपैया हो रहा है। हाँ भैया, बहुत बने लिखे भैया। राज्यसभा के कितने मेंबर है? राज्यसभा देखिए भैया, मैडम बहुत कटाक थी, बस ये बात है। पेपर नहीं लिखे हैं? सुनिए, एक्सक्यूज मी, पेपर नहीं लिखे हैं? कौन मैडम लिखे हैं भैया? पेपर लिखा है बा मैम को देख पूरा फोटो बना दिए हैं, एकदम घर जा पेपर गया है। इनसे पूछिए, डायरेक्टर सर का बेटा है। ठीक है ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? सुमित सिंह। कैसा पेपर गया? पेपर एकदम अच्छा गया है, नॉर्मल पेपर, बहुत आसान पेपर गया है। किस स्कूल से हैं आप? हम लोग इस मदर टेरेसा स्कूल से हैं। पर हम किस तरह से पढ़ाई किए आप लोग? हम लोग पढ़ाई नहीं किया है, थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किया। ये लोग एकदम पढ़ाई नहीं हुआ, मदर छोड़ देंगे, डायरेक्ट एग्जाम देने पढ़ाई नहीं हुआ। लॉकडाउन में किस तरह से तैयारी किए हैं? वो भी लॉकडाउन था, तैयारी नहीं हुआ। 9-10 एकदम खराब, 9-10 हम लोग का पूरा वही रहा भाई। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा है, अच्छा आना चाहिए। डेमोक्रेसी को किस तरह से बचाया जा सकता है? डेमोक्रेसी को देश में किस तरह से बचाया जा सकता है? नेता को बदल लिया जाए, डेमोक्रेसी बच जाएगा। नॉन एफिलेटेड स्कूलों को बैन कराया जाए, हमारे स्कूल ऐसा। विपुल चंद्र पाठक। किस चीज का पेपर था? आज SST का पेपर था। कैसा गया पेपर? बच्चे बहुत खुश है, बहुत अच्छे गए। किस स्कूल से? मैं सर में स्कूल आ रहा से हूँ, करमन टोला। कैसा मतलब स्टूडेंट लोग का क्या मतलब रिव्यू था? जैसे लॉकडाउन की वजह से तो उन लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे। हाँ, लॉकडाउन से पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन इस बार बच्चे बहुत खुश है सारे पेपर देकर। क्या इसमें करते हैं इसमें? मैं तो टीचर हूँ, मैं गए यहाँ पर ड्यूटी में आया। ड्यूटी में आए थे, किस तरह से बिहेव था स्टूडेंट लोगों का? अच्छा था, अच्छा था, अच्छे बच्चे सही लिख रहे थे सही से। हाँ, बहुत अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। हाँ, कोई पढ़ाई एग्जाम में आने वाले एग्जाम में क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट लोग? बच्चे के इस बार पर्चे CBSE का लहराएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। और स्टूडेंट लोग उनसे हम जानने का कोशिश कर रहे हैं किस तरह से उन लोग एग्जाम होंगे। क्या नाम है भाई आपका? MD इब्राहिम सिद्दीकी। बहुत बेकार गया है DAV स्कूल, बहुत कड़ाई कर रहा है लोग, बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं किया है 2 साल से। अच्छा, लॉकडाउन में किस तरह से आप लोग पढ़े हैं? तैयारी पढ़ाई ये नहीं हुआ है लॉकडाउन में, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हुआ, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, मोबाइल नहीं था, पढ़ाई ऑनलाइन कुछ और चलता था, चलता था सब। हाँ बोलिए। ऑनलाइन नहीं पढ़ाई हो रहा था? ऑनलाइन पढ़ाई होता था, लेकिन लड़का लोग कहीं और वीडियो चैट ऑन कर देता था और नीचे लड़की का चैट चलता था, समझ में आया? ये भी इतना बड़ा स्कूल है ऐसा, मतलब किस तरह से ऑनलाइन नहीं चल रहा? DAV ये लोग हैं, DAV हम लोग नहीं है। आपकी गुलाबपुर मदर टेरेसा। अच्छा, कैसा है पेपर गया आप लोग? पेपर तो बहुत मस्त गया, एकदम फाड़ के आए हैं। अच्छा, फ्रीडम के बारे में बता सकते हैं? फ्रीडम के बारे में आजादी क्या? हम लोग आजादी ही तो है, घूम रहे हैं, मजा है, मौज है, जा रहे हैं। आगे क्या करना है? आगे करना है आर्मी की तैयारी करना है। आर्मी की तैयारी? हाँ। तो CBSE बोर्ड का तैयारी आप लोग तैयार कर रहे हैं अभी 10th के बाद? 10th के बाद क्या करना है अभी? 10th के बाद दौड़ना है रोड पे जाके, उसके बाद आर्मी तो मिल ही जाएगा, पैसे घर पे दिया जाएगा, घुस में घुस दीजिएगा। हाँ, इतना बड़ा मतलब CBSE स्कूल से, CBSE बोर्ड स्कूल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि घुस देंगे? CBSE बोर्ड तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं होगा तब, ऐसे तो हम कर ही लेंगे, लेकिन नहीं हुआ तब। अच्छा, एक बात बताइएगा, ऐसे बिहार में तो हर चीज का कुछ जो एग्जाम है पेपर लीक हो जाता है, कि आप लोगों का तो ऐसा मतलब पहले क्वेश्चन नहीं लीक होता तो सब फाड़ देते हम लोग? बताने में नहीं दिया, चीटिंग करने नहीं।
नहीं दिया है सर, इससे नहीं भी लिख नहीं हुआ, कुछ भी लिख नहीं हुआ। बहुत अच्छा, यूट्यूब ने बहुत ज्यादा हेल्प किया हम लोग को, ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प है इसमें। नॉट अ कॉमेडी वीडियो, और मैं पीसीएम परस्यू कर रहा हूँ 10th के बाद। अच्छा, इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इंडस्ट्री के बारे में? ठीक है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री को यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज करेंगे तो आपको राज्य सरकार से बहुत ज्यादा हेल्प मिलनी चाहिए, और वैसे जगह पे उसको स्थापित करना होगा आपको जहाँ पे वहाँ से बाजार काफी नजदीक हो और सस्ते श्रमिक हो, कुशल श्रमिक हो, बस यही सब है। और आज के समय में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सही से चल रहा है हमारे देश में? ये देखिए, डेमोक्रेसी चलाने के लिए हम ही लोग हैं, जो हम ही लोग के डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद कर दिया है। प्रिंसिपल है कि फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन आज भी इनइक्वालिटी जो है हम नीट क्लियर करना चाहते हैं। आई एम परसुइंग बीसीएम, सो अस्सलाम वालेकुम, जेई नीट, नो नो, आई एम परसुइंग बीसीएम, सो मैं जेई कर रहा हूँ अभी, जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम दूंगा, और फिर आई वांट टू बी एन आईटीएन। और बहुत सारे स्टूडेंट थे हमारे साथ मौजूद थे डीके कार्मेल स्कूल के पास, जो कि आरा में मौजूद है, और बहुत सारे लोगों से हम पूछने का प्रयास भी किए किस तरह से उन लोगों का एग्जाम गया है और कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है अच्छे से जवाब देने का कोशिश भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है मौजूद है हमारे साथ और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? निकेत कुमार सिंह। किस स्कूल से आप आए? एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल। किस चीज़ का पेपर था आज? एसएसटी था। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया सर। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन सर ठीक ठाक था, जो पढ़े थे मतलब वही था कॉन्सेप्ट। तैयारी किस तरह से किए हैं आप लोग? ये लॉकडाउन की वजह से तो बहुत सारा ये दिक्कत हुई है। लॉकडाउन तो पूरे साल नहीं था, वैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन बाद में तो स्कूल खुल गए थे ना। ऑनलाइन से अच्छा से पढ़ाई हो पा रहा था आप लोग का? ऑनलाइन जो भी है सर, ये सब बहाना है कि पढ़ाई नहीं बच्चे कर पा रहे हैं, हर हर किसी पास अपॉर्चुनिटी था, ऐसे किसी कोई घर नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने वाले सब बच्चे थे, जो पढ़े हैं वो लिख रहे हैं, जो नहीं पढ़े नहीं लिखे हैं, जो नहीं पढ़े वही ये बहाना दे रहे हैं कि हम लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए, ये सरकार गलत है, कोई गलत है, कोई गलत नहीं है, गलत बच्चे हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था आपके? हाँ, हर स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई प्रोवाइड की जा रही थी, असाइनमेंट्स दिए जा रहे थे, बनाने वाले बना रहे थे, जो लापरवाह थे नहीं पढ़े, तो उसी का आज परिणाम मिल रहा है कि आधे बच्चे आ रहे रोते रोते, कोई टीचर्स को दोष दे रहे, कोई स्कूल को दोष दे रहे, सीबीएसई को दोष दे रहे कि ऐसा पेपर फूक के पेपर सेट किया, सीबीएसई वही पेपर सेट किया, पढ़ने वाले बच्चे लिख के आ रहे 40 में 40, और जो नहीं पढ़ रहे वही अपना हाथ पकड़ के बैठे हुए। अच्छा, स्टूडेंट लोगों का कुछ ये कहना रहता है कि हम कोचिंग नहीं गए या फिर कोई और दिक्कत हो गया, तो सबसे ज़्यादा क्या मतलब बेनिफिट होता है सेल्फ स्टडी स्कूल से ऑनलाइन या कोचिंग? पत्रकार हैं आप लोग, देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट पर पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, सिलेंडर बेचने वाला बच्चा जिसके पास ट्यूशन फीस भरने के पैसे नहीं है, वो आज यहाँ से आईएएस बन जाए। हम लोग तो फिर भी बिलो एवरेज, हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग एज ए कि अपना चलो सीबीएसई कर ले रहे हैं, 10th कर ले, 12th कर ले रहे हैं, एज ए मतलब हम बता रहे स्टूडेंट, यही हम लोग का पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो बच्चे जो नहीं कर पा रहे वो भी कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिनके पास कुछ फैसिलिटी, हमारे पास सब होते हुए हम लोग पॉइंट कर रहे हैं सरकार को, पेरेंट्स को, कि नहीं कर पा रहे, जिनके पास कुछ नहीं कैसे कर रहे हैं। अच्छा, आज के समय में क्या लग रहा है आपको कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है सेफ है? डेमोक्रेसी तो सेफ, डेमोक्रेसी के बारे में तो पढ़े हैं, आज उसी पर 4 क्वेश्चन आया है डेमोक्रेसी के बारे में आया है। देखिए, डेमोक्रेसी को हम लोग, देखिए अभी हम लोग की उतनी एज नहीं हुई है, उतना हम लोग नहीं हुए प्रिविलेज कि हम लोग डेमोक्रेसी पर टिप्पणी कर सकें, लेकिन टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बट 9th क्लास 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं ना डेमोक्रेसी के बारे में? हाँ, चलिए, लोकतंत्र है, हर लोग, हम लोग सरकार लिए हैं, सरकार हमारी मदद करे, ठीक है, सरकार हमारे लिए कुछ काम करे, सबसे बड़ी बात कि जो हमारे से ऊपर जो सीनियर निकल चुके हैं यहाँ से, उनको रोजगार दे, जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है सबसे ज़्यादा देश में, उनको रोजगार दे, जो बच्चे हैं 12th पास जिनको अब नहीं पढ़ने का, जितना पढ़ा सकता था पेरेंट्स पढ़ा देगी, जिसके माँ बाप नहीं है उनको रोजगार दे, बस मेरी यही उम्मीद है सरकार से, बाकी सरकार हमारी सब अच्छी है आपके सामने। डेमोक्रेसी को किस तरह से हम लोग सेफ रख सकते हैं? डेमोक्रेसी का सेफ हम लोग रख सकते हैं, अपना पॉइंट रखिए, लॉजिकल पॉइंट रखिए, जो इधर उधर की बातें उन पर ध्यान ना दे, जो लॉजिकल बातें सरकार के सामने रखिए, अगर तब सरकार आपका जवाब नहीं दे, तब सरकार आपका समर्थन नहीं करे, तब आप अपना सब उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, सुनने वाली जनता है आपके पास, आपका एंड्रॉइड फोन है, डायरेक्ट आप जनता तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, किस स्कूल से हैं आप? एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, कहाँ पर है? यहीं करमन टोला आरा बिहार। अच्छा होता है पढ़ाई? हाँ, बहुत अच्छा, हर स्कूल, हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ने वाला टीचर कैसे हैं वहाँ? अच्छे टीचर हैं, हाँ, मतलब आप जैसा बिहार स्टेट है उसी हिसाब से टीचर अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू के साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से उन लोगों का एग्जाम गया है इस बार। क्या नाम है बाबू? साक्षी गुप्ता। किस चीज़ का पेपर था? एसएसटी का। कैसा लिखा है? अच्छा लिखा। किस स्कूल से आप आई हैं? डीएवी। डीएवी में पढ़ाई अच्छा से होता है? हाँ, अच्छा से होता है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? छोटा भी है कोई? नहीं, छोटा तो नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आया था? हिस्ट्री, सिविक्स, बुक से ही आया था। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आया था? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स।
और किस तरह से माहौल कैसा था एग्जाम के अंदर, जो अच्छा जैसे कि बहुत से जो टीचर हैं एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से थे? टीचर तो अच्छे से बिहेवियर कर रहे थे। अच्छा बनना क्या बनना है आप लोगों को? हो तो टाइम ही बताएगा। अच्छा तो अभी कुछ सोचे होंगे ना आप लोग? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा फ्रीडम के बारे में बता सकती हैं? अच्छे से आज़ादी, आज़ादी के बारे में बताइए कुछ। ये आप लोग तो पढ़ी हैं डेमोक्रेसी के बारे में या जो ही आज़ादी के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, क्या इसके बारे में बता सकती हैं किस तरह से फ्रीडम होना चाहिए लोगों को? नहीं आप डेमोक्रेसी के बारे में बता सकती हैं? डेमोक्रेसी को किस तरह से हम लोग सेफ रह सकते हैं? मतलब अच्छे से, मतलब किसी से भी व्यवहार मतलब अच्छे से करना चाहिए, कोई भी मतलब छोटा या बड़ा मत हो, मतलब कि कोई मतलब कि जैसे वो भेदभाव किसी से मत हो, कोई भी जाति से धर्म से किसी से मत हो, और अच्छा से किसी से भी व्यवहार हो, बच्चों से तो खास करके पढ़ने वाले बच्चों से, चाहे छोटे व्यक्तियों से, छोटे जात के व्यक्ति। किस स्कूल से आप आई हैं? डीएवी स्कूल से। कैसा पेपर गया? अच्छा पेपर गया। पढ़ाई होता है अच्छे से? टीचर कैसा है? टीचर अच्छे हैं। और भी कोई क्वेश्चन बताइए कोई जो आया हुआ था हिस्ट्री में एक दो, ज्योग्राफी में? हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड शायद 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1919। वो कौन करवाया था? महात्मा गांधी। महात्मा अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेजों में कौन उसका हेड कौन था पता है? नहीं ये नहीं पता है। आपको पता है जलियांवाला बाग को कौन सा आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था हत्या करने के लिए? अच्छा जलियांवाला बाग है कहाँ? अमृतसर। अमृतसर में है। और खिलाफत मूवमेंट के बारे में जानती हैं? खिलाफत मूवमेंट हाँ, गांधी जी ने चलाया था। अच्छा देश में गांधी जी विदेश से कब आए हुए थे? 1915। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे, उनसे हम जानने का कोशिश किए हैं किस तरह से उन लोग का एग्ज़ाम गया है और किस तरह से दिए हैं एग्ज़ाम। और बहुत सारे स्टूडेंट विनम्रतापूर्वक और अच्छे से एग्ज़ाम के बारे में बताने का कोशिश किए हैं, और हमारे जो जो क्वेश्चन थे पूछने का कोशिश किए हैं, जो अच्छे से जवाब भी देने का कोशिश किए हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन प्रिंस सिंह के साथ मैं अमित कुमार, थैंक यू, जय हिंद।